हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या हीरा है सदा के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो देखो, क्लास 12 में आपको एक चैप्टर पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट या स्लो होता है, उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और इस बेसिस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड करके किसी भी रिएक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फास्ट रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन। तो मैं आपको चलिए समझाता हूँ फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन का, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो कि आप लोग हमारे हाथ में ग्लास ऑफ वाटर, इसमें मैं थोड़ा ये फूड कलर मिक्स करूंगा। तो देखो, जैसे ही मैंने इसमें फूड कलर मिक्स किया, अभी हुआ क्या, ये जो फूड कलर था ये इस ग्लास में अच्छे से मिक्स होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये रिएक्शन कैसा था, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट था, बहुत ही फास्ट ये फूड कलर यहाँ पे मिक्स कर गया। उसी तरीके से जैसे मान लो ये एप्पल है, अगर इसको या फिर ये टोमेटो, अगर इसको हम लोग फ्रिज में नहीं रखे तो आप क्या देखोगे कि एक या दो दिन के बाद क्या होगा, ये सड़ जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन भी था, ये भी क्या था, थोड़ा फास्ट। और जैसे हम लोग देखते हैं कि आपने आयरन को रस्ट होते हुए देखा है, जब हम लोग आयरन को कुछ दिनों तक क्या करते बाहर छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक परत जम जाता है, जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, क्या ये एक दिन में आयरन में रस्ट लग जाता है, नहीं, इसमें क्या होता है कुछ टाइम लगता है। तो ये रिएक्शन क्या था, थोड़ा स्लो प्रोसेस था। तो आई थिंक आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कोई भी प्रोसेस फास्ट या स्लो कब हो सकता है। तो उसी तरीके से जो डायमंड होता है वो क्या है, डायमंड भी कार्बन का क्या होता है, एक एलोट्रोप होता है। अब ये एलोट्रोप क्या होता है, तो एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप। तो डायमंड जो होता है वो क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन का और कौन सा एलोट्रोप है, जैसे ग्रेफाइट होता है, बकमिंस्टर फुलोरीन होता है, तो ये सारे क्या है, डायमंड के एलोट्रोप है। तो अगर आप डायमंड को क्या करोगे, बहुत सालों तक, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक अगर आप छोड़ दोगे, तो वो क्या होगा, बहुत ही धीरे 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 क्या होगा, वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। और ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि इसमें, जैसा मैंने बोला, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे। तो ना ही मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूं, ना ही हमारे बच्चे और उनके बच्चे, वो भी क्या कर सकते हैं, इस चेंजेस को नहीं देख सकते हैं। और यही रीजन है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि डायमंड जो है वो क्या होता है, वो सदा के लिए होता है। लेकिन एक्चुअली ये सदा के लिए नहीं है, आपको समझ में आ गया, एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है कि प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि इसके पीछे का रीजन क्या था, और आपने ये भी सीख लिया कि कोई भी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन किसको बोलते हैं, स्लो रिएक्शन किसको बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताओ कि जब मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कैसा प्रोसेस है, फास्ट है या स्लो, इसको आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।